पार्टी से निकालने की हिम्मत तो नहीं है जगता बाबू? क्या पार्टी छोड़ेंगे आरजेडी आप? क्योंकि ये तमाम लोग टीका लगाते हैं राजनीति के अंदर, तमाम लोग राजनीति के अंदर टीका लगाते हैं। या तो पार्टी छोड़िए और नहीं तो हम मानेंगे कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है। और एक सवाल तो और भी है कि मुझे ये बताइए कि अगर ये टीका लगाते हैं तो क्या देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार है? क्या इन तीनों को राजनीति में नहीं होना चाहिए? मत है क्या जगतानंद सिंह जब ताजिया की पूजा कर रही थी राबड़ी देवी, क्यों नहीं सवाल किया उस पे? तेजस्वी यादव जी आप बड़े लाख कर दीजिए ए टू जेड की पार्टी, आपकी पार्टी ए टू जेड नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी ए टू जेड नहीं हो सकती है, जानते हैं क्यों? किसी तरह के बयानों के कारण, क्योंकि दिखावा कुछ और है और हकीकत कुछ और है। हकीकत लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, हकीकत लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और राजनीति में टीका लगाने के लिए भी लड़ते हैं, राजनीति में टीका नहीं लगाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जगतानंद सिंह, हिम्मत है अपने पार्टी से इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो जाके राबड़ी आवास में जाके अपने तीनों बड़े नेताओं से कहिए कि आज से टीका लगाना छोड़ दीजिए, पूजा पाठ का आडंबर करना बंद कर दीजिए। है हिम्मत है औकात आप में? कुछ भी मतलब कुछ सनातन का विरोध? अरे भैया क्यों विरोध? आप बीजेपी का विरोध कीजिए ना, सनातन का विरोध क्यों कीजिए? बीजेपी का विरोध सभी धर्मों का सम्मान है, बिल्कुल, लेकिन लेकिन हम अपने धर्म को गाली सुनते हुए नहीं सुन सकते हैं। हमारे धर्म को कोई गाली देगा, कोई कीड़ा मकोड़ा कहेगा, कोई कुष्ठ रोग कहेगा, कोई ये कहेगा कि टीका लगाने वाले देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार है। और राजनीति में टीका लगाने के लिए भी लड़ते हैं, राजनीति में टीका नहीं लगाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जगतानंद सिंह, हिम्मत है अपने पार्टी से इस्तीफा दीजिए। सर लालू यादव इतने बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, वो तो सीधा अरे हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है इन लोगों में, वो तो सारा ग्राफ समझते होंगे। इन लोगों को लगता है कि भैया किसी भी तरह ये वोट एक जो, अरे वो वोट तो आपके साथ ऑलरेडी था। और मैंने जगता बाबू आपके बयान को 100% सच मान लिया। चलिए टीकाधारी ने देश को गुलाम बनाया, मान लिया, राजनीति में टीका लगाना गलत है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि बीजेपी भी जो धर्म की राजनीति करती है वो भी कहीं से कहीं ना कहीं जायज नहीं है। अगर आपकी बात सही है तो मुझे बस जगता बाबू ये जवाब दीजिए, क्या लालू यादव जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे तो आप झूठला नहीं सकते हैं, तेजस्वी यादव जो आपके पार्टी के चेहरा हैं आगामी विधानसभा चुनाव में और बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, तीनों तिलक लगाते हैं, तो क्या मैं ये मान लूं जगदा बाबू कि ये तीनों भी देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार हैं? और अगर राजनीति में ये टीका लगा रहे हैं तो इन तीनों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। मैं कभी करूंगा जगता बाबू जब या तो आप तिलक लगाने वाले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की पार्टी से इस्तीफा दे दें, या इन तीनों को जाके कह दीजिए टीका लगाना बंद करें। अब तो मैंने बयान दे दिया भैया, अब टीका लगाना बंद कर दीजिए और आके कहिए मीडिया के सामने कि आज से हमने भी टीका लगाना बंद कर दिया है, जगता बाबू के बयान को हमारा समर्थन है और हम पूजा पाठ का आडंबर नहीं करेंगे। नीतीश जी मिलते, अरे जिनसे आप गठबंधन किए हुए हैं, नीतीश कुमार का तांत्रिक के साथ वीडियो वायरल हुआ है, ये लोग भी अंधविश्वास फैलाते हैं, कहिए इन्हें हिम्मत है नहीं हिम्मत है, क्योंकि आपकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि अगर अभी भी आप स्टॉप नहीं हुए तो ये समझिए कि 2024 फिर से आपने थाली में परोस के नरेंद्र मोदी को गिफ्ट कर दिया है। इनका कहना है कि मैं उस सनातन को नहीं मानता, टीका लगवाने वालों से क्या मतलब है? उन्होंने ये भी बयान दिया, और हिंदू अगर टीका लगाता है तो क्या वो क्या है जगता बाबू, क्या है थाल खाने की हिम्मत है? क्या हिम्मत? हिम्मत है तो निकाले पहले मनोज झा को पार्टी से, ब्राह्मण है, निकाले मृत्युंजय तिवारी को पार्टी से। उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं कही, अरे मेरी बात सुनिए ना, टारगेट पर रहते हैं ब्राह्मण इनके पार्टी में, जाके देखिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, और बोलना रहता तो सबसे पहले तो उदय निधि के बयान का ये लोग खंडन, हिम्मत है किसी का खंडन करने का? क्या पहले टीका लगाने वालों जो पार्टी है उससे आप इस्तीफा दीजिए जगता बाबू, में आपका समर्थन है, दीजिए इस्तीफा जगता बाबू, मैं समर्थन करूंगा आपका, हिम्मत है?
अरे भैया बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा आपने रहने ही नहीं दिया, आपने तो खत्म कर दिया। आप तो जो बीजेपी चाहती थी उसी पे चल गए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। लेकिन जो जगदानंद सिंह ने किया है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि सनातन पर सेकुलर बात। काहे का सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना। अरे ये तो हिंदू विरोधी साफ नजर आ रहे हैं, ये सेकुलर की राजनीति है कहाँ? जो राजनीति बीजेपी कर रही है वही राजनीति तो विपक्ष कर रहा है। जगदानंद सिंह एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि। अच्छा कितना आपत्ति हो सकता है लालू यादव को, तेजस्वी यादव को? नहीं होगी आपत्ति, नहीं होगी आपत्ति। इसलिए आपत्ति नहीं होगी क्योंकि हिंदुओं से ज्यादा इन्हें मुस्लिम वोट से प्रेम है। सनातन पर सेकुलर वार, आप सोच रहे होंगे क्यों कह रहा हूं मैं। बिहार की राजनीतिक गलियारे में हमेशा ही वाद विवाद चलते रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। बिहार में विपक्ष में बीजेपी है, बीजेपी के लोग सनातनी माने जाते हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बयान दे दिया है कि टीका लगाने वाले जो हैं उन्होंने हमेशा देश को बर्बाद किया है, देश को गुलामी की जंजीरों में बांधने का काम किया है। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किन के समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों ये बयान जो है अब सियासी गलियारे में भूचाल मचाए हुए है, अब प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ है एडिटर इन चीफ अमित झा सर, जिनसे हम इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं कुमार कौशिक। सर, जो जाति धर्म को लेकर के अपने देश में चलते रहता है वाद विवाद, और अभी जगदानंद सिंह ने जो टीका वाली टिप्पणी की है, इस विषय में आपकी क्या राय है? कौशिक जी देखिए, मैंने मान लिया, मैंने 100% जगदा बाबू के बयान को, और देखिए मैं जगदा बाबू ही कहता हूँ क्योंकि राजनीति के अंदर चूंकि इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि और उम्मीदराज हैं कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन चलिए, मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं टीका भी लगाता हूँ। कौशिक जी, मैं टीका लगाता हूँ, मैं अपने धर्म के साथ हूँ, मैं दूसरे धर्म के विरोध में नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ईद में भी अपने दोस्त के साथ एंजॉय करता हूं, क्रिसमस में भी करता हूं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे दोस्त हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं, और वो लोग भी दुर्गा पूजा में मेरे साथ घूमने निकलते हैं, दिवाली में आते हैं। लेकिन मैं अपने धर्म के पक्ष में हूं, मैं भी पूजा पाठ करता हूं। आज मैंने फास्टिंग रखा है जन्माष्टमी का, और मैंने जगता बाबू आपके बयान को 100% सच मान लिया। चलिए, टीकाधारी ने देश को गुलाम बनाया, मान लिया, राजनीति में टीका लगाना गलत है, ठीक है, अब आप खुश हो गए, 100% आपकी बात को मैं समर्थन कर रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं कि बीजेपी भी जो धर्म की राजनीति करती है वो भी कहीं से कहीं ना कहीं जायज नहीं है। लेकिन अगर आपकी बात सही है तो मुझे बस जगता बाबू यह जवाब दीजिए, क्या लालू यादव जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इससे तो आप झुटला नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव जो आपके पार्टी के चेहरा हैं आगामी विधानसभा चुनाव में और बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, पार्टी में कोई पोस्ट होते हुए भी नहीं, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते हैं कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं और आरजेडी में जो चाहते हैं वह होता है, तीनों तिलक लगाते हैं। तो क्या मैं ये मान लूं जगदा बाबू कि ये तीनों भी देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार हैं, और अगर राजनीति में ये टीका लगा रहे हैं तो इन तीनों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है? कौशिक जी, सवाल तो है,
निश्चित तौर पे धर्म और जाति के नाम लालू यादव की राजनीति सही है। वो कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। आपने एक बात कही थी कि सनातन में अब सेकुलर राजनीति नहीं, ये सेकुलर की राजनीति है कहां? जो राजनीति बीजेपी कर रही है वही राजनीति तो विपक्ष कर रहा है। लेकिन जो जगदानंद सिंह ने किया है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि सनातन पर सेकुलर बार। काहे का सेकुलर? सेकुलर का मतलब होता है सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना। अरे ये तो हिंदू विरोधी साफ नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण, मैं एक चीज बता दूं कि तेजस्वी यादव जी, आप भले लाख कह दीजिए ए टू जेड की पार्टी, आपकी पार्टी ए टू जेड नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि आप लोगों ने एक दो ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को राज्यसभा भेज दिया है, एक ब्राह्मण को टीका प्रवक्ता बना दिया है जो टीका लगा के बयान देते हैं, एक ब्राह्मण आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी ए टू जेड नहीं हो सकती है। जानते हैं क्यों? इसी तरह के बयानों के कारण। क्योंकि दिखावा कुछ और है और हकीकत कुछ और है। दिखावा कुछ और है, हकीकत कुछ और है, और सभी कुछ वोट की राजनीति है सर। अच्छा, जगदानंद सिंह जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, सीधे सीधे लग रहा है कि खार खाए हुए हैं। क्या हो सकता है, कौन सा कारण है इस जगदानंद सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं? अरे कुछ नहीं, खार किस से खाए रहेंगे? खार खाने की हिम्मत है क्या? है क्या हिम्मत? हिम्मत है तो निकाले पहले मनोज झा को पार्टी से। ब्राह्मण है, निकाले मृत्युंजय तिवारी को पार्टी से। उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं कही। अरे मेरी बात सुनिए ना, टारगेट पर रहते हैं ब्राह्मण इनके पार्टी में, जाके देखिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। इनका कहना है कि मैं उस सनातन को नहीं मानता जिस सनातन टीका लगवाने वालों से क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने ये भी बयान दिया, और हिंदू हिंदू अगर टीका लगाता है तो क्या वो क्या है जगता बाबू, क्या है? हाँ, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि दाढ़ी नहीं बढ़ाइए, टीका मत लगाइए, टोपी मत पहनिए, इससे क्या मतलब है? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सीधे सीधे यहाँ पे किसी भूमिका में ही नहीं हूँ। मैं अभी डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। और सवाल मेरा है कि पहले टीका लगाने वालों जो पार्टी है उससे आप इस्तीफा दीजिए जगताप बाबू, आपका समर्थन है, दीजिए इस्तीफा जगताप बाबू, मैं समर्थन करूंगा आपका। हिम्मत है? हम तस्वीरों में दिखला रहे हैं, लालू यादव कई बार पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, टीका लगवाते हैं, तेजस्वी यादव ने टीका लगाया है कई बार। सबसे बड़े भक्त उनके बड़े बेटे माने जाते हैं। तेज प्रताप यादव कृष्ण भक्त हैं भाई, बिना टीका का नहीं रहते। कृष्ण के भक्त हैं, वो कहते हैं मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूं। अरे वो तो भविष्यवाणी भी करते हैं। हिम्मत है? पार्टी से निकालने की हिम्मत तो नहीं है जगता बाबू? क्या पार्टी छोड़ेंगे आरजेडी आप? क्योंकि ये तमाम लोग टीका लगाते हैं राजनीति के अंदर, तमाम लोग राजनीति के अंदर टीका लगाते हैं। या तो पार्टी छोड़िए और नहीं तो हम मानेंगे कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है। और एक सवाल तो और भी है कि मुझे ये बताइए कि अगर ये टीका लगाते हैं तो क्या देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार हैं? क्या इन तीनों को राजनीति में नहीं होना चाहिए? हम तो विजुअल दिखला रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, विजुअल देखिए ना, तीनों का टीका लगाए हुए पूजा पाठ करते हुए। आपको टीका लगाने वालों से दिक्कत है, पूजा पाठ करने वालों से दिक्कत है, कीजिए विरोध अपने पार्टी के तीनों बड़े नेताओं का, मतलब वोट के लिए कुछ भी। सामने चुनाव है सर, सब लोग सारे, अरे अपने पार्टी का बैरा गर कर रहे हैं, जो भी सनातन के विरोध में बयान दे रहे हैं वो अपनी पार्टी और गठबंधन का बैरा गर कर रहे हैं। कौशिक जी आपको याद होगा मैंने कहा था कि देखिए इंडिया गठबंधन बन रहा है, और अगर इंडिया गठबंधन बन जाता है तो मोदी को दिक्कत होगी, बीजेपी को दिक्कत होगी, मैंने ही कहा था आपसे, क्योंकि मुद्दा क्या है? बेरोजगारी और महंगाई। अरे भैया बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा आपने रहने ही नहीं दिया, आपने तो खत्म कर दिया। आप तो जो बीजेपी चाहती थी उसी पर चल गए, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। अच्छा एक बात बताइए सर, जिस तरीके से जगदानंद सिंह बयानबाजी किए हैं, जगदानंद सिंह एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि, अच्छा कितना आपत्ति हो सकता है लालू यादव को, तेजस्वी यादव को? नहीं होगी आपत्ति, नहीं होगी आपत्ति। इसलिए आपत्ति नहीं होगी क्योंकि हिंदुओं से ज्यादा इन्हें मुस्लिम वोट से प्रेम है। तो ये कह सकते हैं कि वहीं के इशारे से मतलब ये सारा कुछ हो रहा है? इशारा नहीं है, लेकिन अब बयान दे दिया तो अब बताइए कि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया तो उसका विरोध किया किसी ने? किया? लेकिन सर लालू यादव इतने बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं, वो तो सीधा सीधा सारा हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है इन लोगों में।
वो तो सारा ग्राफ समझते होंगे इन ना? लोगों को लगता है कि भैया किसी भी तरह ये वोट एक जो, अरे वो वोट तो आपके साथ ऑलरेडी था, उसका 75 से 80% वोट तो ऑलरेडी था। आपने जो भी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जो भी वोटर, हिंदू वोटर आपके साथ आने की कोशिश कर रहे थे, उसे आपने खत्म कर दिया। और ये पता नहीं कैसे इन लोगों को समझ में नहीं आता है। मैं वही कह रहा हूं सर कि इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप, या आरजेडी खेमा या महागठबंधन खेमा, नहीं कोई बोलेगा। हिम्मत, और बोलना रहता तो सबसे पहले तो उदय निधि के बयान का ये लोग खंडन, हिम्मत है किसी का खंडन करने का क्या? उदय निधि ने तो सीधे सीधे सनातन को समाप्त करने की ही बात कह दी। कोरोना बता दिया, हद स्थिति है भाई, मलेरिया कोरोना क्या मजा के, वायरल फ्लू, कोई कुष्ठ डीएमके के जो सांसद हैं राजा, वो कह रहे हैं कुष्ठ रोग सनातन को, क्या मजाक क्या चल रहा है? हलवा है क्या सनातन धर्म, हिंदू धर्म हलवा है क्या? कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का अपमान करने का हक किसी ने किसी को कैसे दे दिया? सवाल ही नहीं है कि अपना ही तो देश है भारत, तो धर्म निरपेक्ष देश है जहां पर हर धर्म हर जाति के लोगों को सम्मान दिया। हिम्मत है क्या जगदानंद सिंह जब ताजिया की पूजा कर रही थी राबड़ी देवी, क्यों नहीं सवाल किया उस पर? सर तो सीधे, लेकिन उस पे सवाल नहीं होगा, उस पे सवाल हो नहीं सकता। और हमने भी कई चैनलों ने दिखलाया, बीजेपी ने आपत्ति जताई, लेकिन हमारे चैनल ने वो खबर नहीं चलाई थी। अच्छा, ये सारे लोग संविधान की हमारे बात करते हैं। हमारे लिए, मेरे लिए कौशिक जी, आपके लिए, हमारे चैनल के लिए, सभी धर्मों का सम्मान है बिल्कुल, लेकिन लेकिन हम अपने धर्म को गाली सुनते हुए नहीं सुन सकते हैं। हमारे धर्म को कोई गाली देगा, कोई कीड़ा मकोड़ा कहेगा, कोई कुष्ठ रोग कहेगा, कोई ये कहेगा कि टीका लगाने वाले देश की गुलामी के लिए जिम्मेदार है बिल्कुल, और राजनीति में टीका लगाने के लिए भी लड़ते हैं, राजनीति में टीका नहीं लगाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं जगदानंद सिंह, हिम्मत है अपने पार्टी से इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो जाके राबड़ी आवास में जाके अपने तीनों बड़े नेताओं से कहिए कि आज से टीका लगाना छोड़ दीजिए, पूजा पाठ का आडंबर करना बंद कर दीजिए। है हिम्मत, है औकात आप में सिर्फ वोट के लिए? बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है। कुछ भी मतलब कुछ, सनातन का विरोध, अरे भैया क्यों विरोध? आप बीजेपी का विरोध कीजिए ना, सनातन का विरोध क्यों कीजिए? बीजेपी का विरोध, लेकिन बीजेपी का विरोध करेंगे लेकिन साथ में मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मतलब ये बयानबाजी जो है मुस्लिम वोट बैंक को बटोरने और उनको खुश करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये लोग खुद पूजा पाठी है, कौन पूजा पाठ नहीं करता? अच्छा, ये लोग संविधान की बात करते हैं, जब भी कोई लड़ाई होती है चाहे बीजेपी वाले हो या कोई भी पार्टी हो विपक्ष में जो भी है, ये सारे लोग संविधान की बात करते हैं। ये बात जो ये इस तरीके की बयानबाजी लोग करते हैं, ये तो संविधान के विरुद्ध है। हमारा संविधान जो कहता है वो ये नहीं कहता है कि किसी एक धर्म का अपमान कीजिए, किसी भी धर्म का अपमान करके आप चलिए, आप टीका पर टिप्पणी कीजिए, टोपी पर टिप्पणी कीजिए, दाढ़ी पर टिप्पणी कीजिए, किसी के कपड़े के रंग पर आप टिप्पणी कीजिए। रंग से अपने देश में पता लोग कर ले रहे हैं कि किस पार्टी से है, किस जाति से है। देखिए ये सब कुछ ये दौर ही बदल दिया है। 2024 का इलेक्शन जो है ना, इन लोगों का माथा घूम गया है, इन लोगों का माथा घूम गया है। कोई संविधान के पक्ष में नहीं है, किसी को संविधान से मतलब नहीं है, किसी को देश से मतलब नहीं, मतलब है। हवाला देते हैं संविधान का, लेकिन सब लोग संविधान विरोधी बयान देते हैं। महंगाई और बेरोजगारी अभी देश में इतना बड़ा मुद्दा था ना, इतना ज्वलंत मुद्दा था, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए था इन लोगों को, लेकिन इन लोगों ने ना चाहते हुए भी बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया है। और बीजेपी यही चाहती थी कि कुछ इसी तरह का ब्लंडर करो तो भैया, और ब्लंडर कर दिया उदयनिधि ने, डी राजा ने, और अब हमारे जगदा बाबू ने, जिनकी देखिए हर कोई इज्जत करता है, उम्रदराज है, मैं बार बार कह रहा हूं बड़े, लेकिन इस बयान का समर्थन मैं तभी करूंगा जगदा बाबू जब या तो आप तिलक लगाने वाले लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की पार्टी से इस्तीफा दे दें, या इन तीनों को जाके कह दीजिए टीका लगाना बंद करें। अब तो मैंने बयान दे दिया भैया, अब टीका लगाना बंद कर दीजिए, और आके कहिए मीडिया के सामने कि आज से हमने भी टीका लगाना बंद कर दिया है, जगता बाबू के बयान को हमारा समर्थन है, और हम पूजा पाठ का आडंबर नहीं करेंगे। अरे ये लोग कहते हैं कि सनातन के नाम पे अंधविश्वास फैलाया जाता है। लालू यादव चुनाव से पहले निकलते थे तो अपने जो तालाब है उसमें मछलियों को खाना खिलाते थे कि इससे मेरा जतरा शुभ होगा। अच्छी बात है, हम भी मानते हैं,
हमारे माँ बाप ने भी कुछ कहा है कि दही खा के जाना चाहिए या मछली को देख के जाना चाहिए, शुभ होता है। अभी महाबैठक में जाने से पहले और पेशी में जाने से पहले उन्होंने जाकर के माता के मंदिर में मत्था टेका, बजाबता तिलक लगा करके तस्वीर में देख सकते। अरे चलिए, वो तो धर्म है, वो पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं लालू यादव को मैं मानता हूं। देखिए, लालू यादव इफ्तार पार्टी भी उतने ही शानदार तरीके से देते रहे हैं। बिल्कुल। और छठ की पूजा राबड़ी देवी जब करती थी क्या रौनक रहती थी घर में। होली उसी धूमधाम से मनती थी, कुर्ता फार होली लालू यादव के यहां होती थी। पहले इस तरह की राजनीति नहीं होती थी कौशिक जी, ये आज हो गई है। मुद्दे से भटकाने का, मुद्दे से भटक गए हैं लोग, खुद भटक गए हैं, लोगों को भटका रहे हैं। ठीक है, जिन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के चुनाव में खड़े होना चाहिए। पहले चुनाव होता था ना, पहले चुनाव होता था। आज महंगाई से लोग कराह रहे हैं, बेरोजगारी से लोग कराह रहे हैं, आज शिक्षा की मार लोग झेल रहे हैं। सुनिए ना, लालू यादव तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, ये सब जानते हैं, सर्वविदित है ये। कई तांत्रिकों से मिलते थे, नीतीश जी मिलते, अरे जिनसे आप गठबंधन किए हुए हैं, नीतीश कुमार का तांत्रिक के साथ वीडियो वायरल हुआ है। ये लोग भी अंधविश्वास फैलाते हैं, कहिए इन्हें हिम्मत है नहीं हिम्मत है, क्योंकि आपकी राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जो बयान दिए टारगेट पे कौन बंद होना ही है, टारगेट पे कौन है अभी जो इन्होंने कर दिया है। नहीं, अभी इलेक्शन का समय है ना, अभी तो सेट होगा कि नहीं। ठीक है, बयान दिए हैं, ठीक है, अब दे दिए तो इसका विरोध नहीं, मतलब कंट्रोवर्सी करके। देखिए, इन लोगों के दिमाग में क्या है समझिए कौशिक जी, इन लोगों के दिमाग में क्या है, मुस्लिम वोट। और ये लोग नहीं, पता नहीं कौन इन लोगों का सलाहकार है भैया, अकेले मुस्लिम वोट से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और यही तो बीजेपी चाह रही थी, और आपने थाली में परोस के दे दिया। मैं एक भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि अगर अभी भी आप स्टॉप नहीं हुए तो ये समझिए कि 2024 फिर से आपने थाली में परोस के नरेंद्र मोदी को गिफ्ट कर दिया है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आखिरी में बस यही कहूंगा, आपके बयान को समर्थन तभी जब जाइए आप राबड़ी आवास और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के सामने डट कर खड़े कहिए, और कहिए कि आज से आप टीका लगाना छोड़ दे। और सवाल तेजस्वी यादव लालू जी से और तेज प्रताप जी से भी है कि आइए, अगर हिम्मत है तो मेरी तरह आप भी जगता बाबू के बयान का समर्थन कीजिए।